जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका रामचरितमानस कथा में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पार्वती जी के अनुरोध पर शंकर भगवान ने राम कथा सुनाने के लिए कहा। सबसे पहले उन्होंने राम का गुणगान किया, उसके बाद आगे की कथा उन्होंने शुरू किया। तो शुरू करते हैं आज की कथा। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल बिशद निगमागम गाए। हरि अवतार है तुझई होई, इदमे थम कही जाई न सोई। शंकर जी बोलते हैं, हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण तो बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें की कोई जान ही नहीं सका। राम अतर क्यों बुद्धि मन बानी, मत हमारे अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहहि सोमति अनुमाना। शंकर जी कहते हैं, हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, तथा संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस मैं सुमुखि सुनावहु तोही, समुझि परै जस कारण मोही। जब जब होइ धर्म कै हानि, बाढ़ै असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखि, वही कारण मैं तुमको बताता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है, धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधही भी प्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। तब तब अगर जब भी ऐसा अन्याय करते हैं राक्षस नीच और अभिमानी कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी सब कष्टित हो जाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारि था पई सुरन, राखहि निज श्रुति सेत। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म करहेत। फिर वे असुरों को मारकर देवताओं की स्थापना करते हैं और अपने स्वस्वरूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। सोई जस गाई भगत भवत रही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। उसी उनके यश को गा गा के भक्त जन भव सागर पार कर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हितों के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के भी अनेक कारण हैं, जो एक से बढ़ के एक विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को। फिर शंकर भगवान एक कारण बताते हैं पार्वती जी को कि हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर के मन लगा के सुनो। पहला तो ये था कि श्री हरि के जय और विजय नाम के दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप दे दूनहु भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कसिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुर पति मद मोचन। उन दोनों भाइयों जय और विजय विजय को ब्राह्मणों से श्राप मिला कि आप असुर हो जाओ, और उन्होंने अपना असुरों का तामसी शरीर पाया।
एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का था हिरणाक्ष। तो ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हैं, सभी लोग जानते हैं हिरण्यकश्यप और हिरण्यक्ष के दुर्दांत कथाएं। विजयी समर वीर विख्याता, धरि वराह बपु एक निपाता, होइ नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे दोनों हिरण्यकश्यप और हिरण्यक्ष युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्यक्ष को भगवती वाराह सुअर का रूप धारण करके मारा भगवान ने, और दूसरे हिरण्यकश्यप को नरसिंह का रूप धारण करके मारा और अपने भक्त प्रहलाद के सुंदर यश को फैलाया। ये कथा तो सभी को पता ही है उनके। तो ये एक एक कारण था भगवान के जन्म लेने का। भय निसाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकरण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। फिर वही दोनों जो थे हिरण्यक्ष हिरण्यकश्यप और हिरण्यक्ष, वही दोनों फिर जाकर के जन्म लेकर के रावण और कुंभकर्ण जैसे बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रमाणा, एक बार तीन के हित लागी, धरहु शरीर भगत अनुरागी। यद्यपि हिरण्यकश्यप और हिरण्यक्ष को भगवान ने मारा था, लेकिन उनके मारे जाने पर भी वो मुक्त नहीं हुए, क्योंकि ब्राह्मण के वचन का प्रमाण तीन जन्म के लिए था। ब्राह्मण ने जो साप दिया था वो बोले थे तीन जन्म तक तुम राक्षस होगे तुम दोनों। तो वो दोनों अब एक जन्म तो हो गया हिरण्यकश्यप और हिरण्यक्ष, और दूसरा जन्म उन्होंने जाके कुंभकर्ण और रावण का ले लिया था। फिर उनके एक बार फिर से उनके कल्याण के लिए भगवान भक्त प्रेमी भगवान ने फिर से अवतार लेकर के रावण और कुंभकर्ण का संहार किया। कश्यप आदित्य तहां पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता, एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप और आदित्य उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में बहुत पवित्र लीलाएं की, जो कि भगवान राम की लीलाएं जिसे कि हम जानते हैं। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। फिर एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर भगवान शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया। जलंधर के साथ शंकर भगवान का युद्ध हुआ, लेकिन वो महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, ते ही बलताई न जीतई पुरारी। उस दैत्यराज जलंधर की स्त्री परम सती थी, बहुत ही बड़ी पवित्रता पतिव्रता थी, और उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शंकर जी भी उस दैत्य को नहीं जीत पा रहे थे। छल करी तारे उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन, जब ते ही जाने उमरम तब श्राप कोप करनी। फिर उस जलंधर को मारने के लिए प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग करके के फिर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, यह उसको रहस्य पता चला कि ये तो विष्णु भगवान ने छल से मेरे साथ ऐसा कुछ किया, तब उसने क्रोध करके भगवान को साप दे दिया। श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना, तहां जलंधर रामन भयउ, रनहति राम परम पद दयउ। लीलाओं के भंडार कृपाल हरि ने उस स्त्री के साप को प्रमाण किया, स्वीकार किया, क्योंकि वे तो भक्तों के कार्य को सिद्ध करने वाले हैं, तो
तो जब वो पतिव्रता स्त्री ने श्राप दिया तो उसको उनको स्वीकार करना ही था, और उसी कारण से वही जलंधर जब रावण के रूप में पैदा हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मार के फिर परम पद दिया, अमृत मोक्ष प्रदान किया। एक जन्म कर कारण ये हा, जेहि लगी राम धरी नर देहा, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि वरनि कवि न गनेरी। और एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, याज्ञवल्क्य जी भी भरद्वाज को कथा वही सुना रहे हैं रामचंद्र जी की। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है, कई कई तरह से वर्णन किया है। तो यही कई कारण है भगवान को जन्म लेने के, वही चीज जो है शंकर भगवान पार्वती जी को बता रही है, और वही चीज याज्ञवल्क्य मुनि जो है भरद्वाज मुनि को बता रहे हैं, और वही चीज जो है कागभूषण ने गरुण को सुनाया था। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। एक और कारण बताया शंकर जी ने भगवान के नर रूप में आने का, कि एक बार नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया था और एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हो गई, बोली नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं, उन्होंने श्राप दे दिया। कारण कमन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना, यह प्रसंग मोहि कहउ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप कैसे दे दिया, किस कारण से दिया, पार्वती जी को एकदम चकित होकर के पूछी। लक्ष्मीमती भगवान ने उनका क्या बिगाड़ दिया था, क्या ऐसा अपराध कर दिया था कि नारद जी को श्राप देना पड़ गया। हे पुरारी शंकर जी, ये कथा मुझे बताइए, बड़ा मैं सुनना चाहती हूँ, बड़ी उत्सुक हुई। वो मुनि के नारद के मन में मोह होना बड़ा आश्चर्य की बात है। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जय जस रघुपति करहिं जब सोत सुते छन होय। तब शंकर जी हंस पड़े, बोले यहाँ न तो कोई ज्ञानी है और न मूर्ख है, और श्री रघुनाथ भगवान जी जब जिसको जैसा करते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। जब वो किसी को ज्ञानी बनाते हैं तो ज्ञानी बन जाता है, जब किसी को मूर्ख बनाते हैं तो मूर्ख बन जाता है। कहो राम गुण गाते भरद्वाज सादर सुनहुं, भव बंजन रघुनाथ भज तुलसी तजी मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा मैं कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। और तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी भगवान को भजो, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस तरह से राम शंकर भगवान अब नारद के मोह की कथा कहने जा रहे हैं, वो हम अगले भाग में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय।